कोई ये नहीं कहेगा कि उसे सूखी मछली का शोरबा पसंद नहीं है, और अगर उसमें सेम बीन्स और बैगन डालकर सूखी मछली का शोरबा बनाया जाए तो बहुत स्वादिष्ट होता है। हमारी दादी इसे अपने हाथों से पारंपरिक तरीके में बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। इसी तरह सेम बीन्स को भी एक दिन पहले ही भीगने के लिए रख देती है। सूखी मछली का शोरबा में डालने के लिए हमने आधा किलो सेम बीन्स को भीगने के लिए रख दिया है। अब सेम बीन्स अच्छी तरह भीग चुका है, एक से दो बार पानी डालकर अच्छी तरह खंगाल लेंगे। सूखी मछली का शोरबा में डालने के लिए हमने आधा किलो बैगन को हमारे बगीचे से तोड़ लिया है। अब पीसने के लिए 50 ग्राम धनिया, 50 ग्राम लाल मिर्च और 2 स्पून काली मिर्च जीरा, इन तीनों को तेल के बिना अच्छी तरह भून लेंगे। भुना गया मसालों को पीसने के लिए सूखने रख देंगे। भीगने के लिए रखा गया सेम बीन्स को अब गलने के लिए रख देंगे। गलते समय नमक डालने की जरूरत नहीं है। अब इमली को भी पानी में डालकर भीगने के लिए रख देंगे। अब सूखने के लिए रखा गया मसालों को सिलबट्टा में डालकर पीसना शुरू कर देंगे। अब नारियल को सिलबट्टा में डालकर पीसना शुरू कर देंगे। उसके साथ ही थोड़ा चना भुना हुआ डालकर अच्छी तरह पीस लेंगे। सेम बीन्स कपास की तरह गल चुका है, अब उसे अलग उठाकर एक और बर्तन में डालकर रख देंगे। बैगन को इस तरह लंबा काटने के बाद फूटे बगैर रहने के लिए नमक मिलाया हुआ पानी में डालकर रख देंगे। पांच टमाटर को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। थोड़ा गर्म पानी रखकर उसमें सूखी मछली डालकर अच्छी तरह खंगाल लेंगे। सब कुछ अब तैयार हो चुका है। अब सूखी मछली का शोरबा पकाना शुरू करते हैं। कढ़ाई गर्म होने के बाद थोड़ा मूंगफली का तेल डाल लेंगे। तेल अच्छी तरह गर्म हो चुका है, अब सरसों डाल लेंगे। सरसों अच्छी तरह पक चुका है, अब लहसुन डाल देंगे। उसके साथ ही काटा गया छोटा प्याज डाल लेंगे। थोड़ा करी पत्ती भी डाल देंगे। अब काटा गया टमाटर को डाल देंगे। टमाटर अच्छी तरह रंगीन हो चुका है, अब काटा गया बैगन डालकर अच्छी तरह पका लेंगे। बैगन पकने तक पीसा गया मसालों के साथ हल्दी मिलाकर पानी में घुलने के बाद शोरबा में डाल लेंगे। अब जरूरत के अनुसार थोड़ा क्रिस्टल नमक डाल देंगे।
अब गर्म पानी में खंगाला गया सूखी मछली को शोरबा में डाल लेंगे। अब भीगने के लिए रखा गया इमली को पानी में घुलकर शोरबा में डाल लेंगे। शोरबा में जरूरत के अनुसार पानी डाल लें। डाला गया बैगन और सूखी मछली अच्छी तरह गल चुका है। अब गला कर रखा गया सेम बीन्स को डाल देंगे। अब शोरबा उछलना शुरू हो गया है। सूखी मछली का शोरबा अब तैयार हो चुका है। सूखी मछली का शोरबा खाने के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है।